आज की क्लास का टॉपिक है हमारा यूनिट 3 का सेशन 5 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज प्रोग्राम। इट एक्सेप्ट रॉ डेटा इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट आउटपुट एज पर द कमांड्स गिवन बाय द यूजर्स। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और जो यूज़र के थ्रू दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है। ये काम कैसे करता है? ये यूज़र से रॉ डेटा इनपुट लेता है, उस पे प्रोसेस करके फिर यूज़र को जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए एज पर कमांड यूज़र को प्रोवाइड करता है। अब डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट एंड फिगर। डेटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, मतलब जो भी हम यूज़र कंप्यूटर को इनपुट देता है। इंफॉर्मेशन उस रॉ डेटा के थ्रू दी गई इनपुट को जो कंप्यूटर में एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें दो नंबर्स को जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, दो नंबर देते हैं, जैसे दो दिया, फिर प्लस किया, फिर 3, तो ये हमारा रॉ डेटा हो गया। और फिर जब हमें इसका आउटपुट मिलता है 5 डिजायर्ड रिजल्ट, ये चीज़ कहलाता है हमारा इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कह रहे दे आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन सी एंड टच। मतलब कंप्यूटर की वो सारी फिजिकल डिवाइसेस जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। जैसे क्या क्या हम देख सकते हैं कंप्यूटर में? हमें मॉनिटर दिखता है सामने, उसको छू भी सकते हैं, प्रिंटर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, कीबोर्ड को देख सकते हैं, छू सकते हैं, माउस को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो सारी डिवाइसेस जिनको हम देख सकें छू सकें। सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क और टाइप ऑफ वर्क्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब प्रोग्राम्स के सेट्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने कामों को करते हैं। जैसे एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, जिसमें आपका राइटर, कैल, प्रेस आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारी विंडोज। ओके, अब सॉफ्टवेयर को इन्हें मेनली जो है तीन टाइप में डिवाइड किया है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? ये हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक लैंग्वेज प्रोसेसर और एक ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर दूसरा यूटिलिटीज़, ये हमें ऑक्सिलरी जो सहायक हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनके फॉर्म में वर्क कहते हैं। जैसे हमारा बैकअप टेली हो गया, एंटीवायरस हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया। फिर दूसरा तीसरा टाइप होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मतलब जिनको किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट पर बनाया गया हो। अब यहाँ पर ने दे रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को होता है। ऑपरेशन कौन से होते हैं कंप्यूटर में? जैसे इनपुट लेना, उस पर प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना और फिर उसको आउटपुट देना। अब इनको हमने जैसे बताया ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर में इनको डिवाइड किया गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी जैसे विंडोज़,
विंडोज़ का काम क्या होता है कि अगर हमने कोई हम पे कोई लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है और जब तक हम उसको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे हमारा यूनिक्स, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज प्रोसेसर ये क्या करते हैं, जिनको एक स्पेशल टाइप के हमारे प्रोसेसर होते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे हम लोग जब प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, तो ये सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। तो इसमें जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो ये सारे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे क्या करते हैं, उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये जैसे ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे हमारे हम दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं और कोई एक बंदा ऐसा है जिसको एक ऐसी लैंग्वेज आती है जो सामने वाले को नहीं आती और उससे कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर की हेल्प लेते हैं। तो ये भी क्या है, ये ट्रांसलेटर कहलाते हैं हमारे। असेंबलर क्या करता है, ये पहले एक असेंबली लैंग्वेज चलती थी उसमें लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। कंपाइलर हमारा सी या सी प्लस प्लस या जावा पे वर्क करता है। ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट करता है और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर, अगर आप आगे 11th 12th में अगर CS लोगे तो उसमें एक लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन में क्या होता है कि लाइन बाई लाइन वो एग्जीक्यूट होती है, कि उसको एक लाइन में इंटरप्रेटर इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है, क्या करता है वो एक बार में उस लाइन को देता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे हमने बात की किराए, इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे हमारे जनरल पर्पस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हम वर्ड का यूज़ करते हैं अपने डाटा लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, हमें कोई न्यूमेरिकल वर्क करना है एक्सेल का यूज़ करते हैं, हमें प्रेजेंटेशन बनानी है पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, कोई डेटाबेस बनाना है तो एक्सेस का यूज़ करते हैं, मतलब जो कॉमनली यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं हमारे। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्रिएट पर्टिकुलर कस्टमर, मतलब किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट पर बनाए गए सॉफ्टवेयर, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल, होटल रिजर्वेशन सिस्टम, इस टाइप के, मतलब जिनको एज पर नीड उनको डिज़ाइन किया जाता है। यूटिलिटी, जैसे मैंने बताया कि दीज आर स्पेशल सॉफ्टवेयर विच हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये क्या करता है कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को स्मूथली रन कराने के लिए ये वर्क करते हैं। जैसे एंटीवायरस है, एंटीवायरस का काम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी वायरसेस हैं उनको रिमूव करना, जिससे हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम ना हो और कंप्यूटर हमारा प्रॉपर काम करता रहे। बैकअप, जैसे इनकेस अगर हमारे हमने कोई कंप्यूटर में अपने जो भी वर्क किया है तो उसका बैकअप लेके रखा हुआ है। बैकअप क्या होता है, कॉपी होती है डेटा की, हमारी जो भी डिस्क में जो भी फाइल वगैरह स्टोर होती है उनकी हम क्या कर लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं, जिससे इनकेस अगर हमारे कंप्यूटर में कभी कोई लॉस होता है तो उससे हम रिकवरी कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंशन, ये क्या करता है, डिफ्रैगमेंशन मतलब ये हमारे कंप्यूटर में जो अनवांटेड फाइल्स होती हैं, अननेसेसरी फाइल, उनको फाइंड करके ये रिमूव करता है। डिस्क क्लीनर का भी काम यही है, फाइल मैनेजमेंट टूल, फाइल को मैनेज करने के लिए, जैसे सर्चिंग, स्टोरिंग, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पर एक उनकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें फोटोग्राफ 50 KB का चाहिए या स्कैन जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो 100 KB तक के। तो फाइल के साइज़ को कम करना विदाउट लॉस क्वालिटी, मतलब उसकी जो एक्चुअल क्वालिटी है उसको बिना ख़राब किए उसकी फ़ाइल के साइज़ को कम करना, ये चीज़ कहलाता है कंप्रेशन।
तो कंप्रेशन के लिए भी हमारे पास कई सारे टूल्स रहते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये था आज के हमारे क्लास का टॉपिक। थैंक यू।